अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथ न मिलाने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, इस विषय पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल्द कैबिनेट में विस्तार करने की बात कही है। शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद बहुत जल्द कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति वाले दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हाथ न मिलाने वाले बवाल पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की अंतर्कलह उभर कर सामने आ गई है। राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास की राजनीति चली हुई है जो इस घटना से उजागर हुई है। इससे पहले भी कई अवसरों पर वरिष्ठता की देखी गई है और ये दरार आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। उस सारी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, जो हो गया सो हो गया, उस पर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। प्लानिंग बोर्ड की बैठक अभी बजट से पहले करेंगे हम एक बार तो उसके लिए बहुत जल्दी हम डेट निर्धारित करेंगे। फिलहाल अभी दिल्ली चुनाव में हमारी ड्यूटी लग रही है और इस कारण से मेरा थोड़ा सा ये शीतकालीन प्रवास जो हमारा धर्मशाला का वो भी थोड़ा आगे जा रहा है। स्वाभाविक रूप से पार्टी की ओर से जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निभाना वो भी आवश्यक है और उसके बाद शीतकालीन प्रवास और उसी बीच में हम यहाँ की वो बैठक भी करेंगे। देखिए अब उस दिशा में आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव, ये सारी प्रक्रियाएं बीच में चली हुई थी। इस कारण से हम उन सारी बातों को लेकर के जो है वो उसमें काम नहीं कर पाए, लेकिन अभी जल्दी ही बहुत ही शीघ्र जो है वो उन सारी चीजों को पूरा करेंगे। देखिए हम तो बार बार ये कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है और शायद इस घटना से जो है उजागर हुआ है। उससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो गुटबंदी है वो जग जाहिर हुई है। मुझे लगता है कि ये दरार आने वाले समय में बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको हमेशा फटे में टांग फंसाने की आदत है, कांग्रेस पार्टी को लेके हमेशा टिप्पणियां करते रहे हैं और हमारा ये मानना है कि हमको दूसरे संगठन किस ढंग से काम कर रहा है, उनकी क्या कार्यप्रणाली, उस पर हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो बार बार कांग्रेस को निशाना बनाते हैं तो निश्चित तौर पे हम भी उसका जवाब देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है, हालांकि उन्होंने चुनाव का नाम दिया और ये चुनाव की प्रक्रिया दिखाने को की गई, जबकि बिंदल साहब की जो नियुक्ति है वो पहले हो गई थी, तो ये सारा मामला जो है एक मजाक बन के रह गया है। यहाँ तक कि जो शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सिलेक्शन है, इट इज नॉट इलेक्शन। और बिंदल साहब के बनने के बाद जो गुटबंदी अंदर नजर आ रही थी वो अब खुल के जो है बाहर सामने नजर आ रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो गुटबंदी है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान करने वाली है।